बड़ी खबर का रुख करेंगे। डोटासरा का मालवे पर हमला देखने को मिला है। पीसीसी चीफ ने बिना नाम लिए महेंद्रजीत मालवे पर निशाना साधा। तो एक चला जाए हजार नेता आएंगे, आदिवासियों के जीएनए में कांग्रेस है, ये कहा गया। दरअसल डोटासरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए बांसवाड़ा पहुंचे थे और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ आदरणीय राहुल जी खड़गे साहब, ये आदिवासी है, इनके डीएनए में कांग्रेस है। एक चला जाए हजार नेता आएंगे, हर कांग्रेस को जिता करके आपकी झोली में डालेंगे। इसलिए मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ आदरणीय राहुल जी खड़गे साहब, ये आदिवासी है, इनके डीएनए में कांग्रेस है। एक चला जाए हजार नेता आएंगे, हर कांग्रेस को जिता करके आपकी झोली में डालेंगे। और चलिए यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द अपडेट लेंगे। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस के मौजूदा सांसदों को फिर से मौका मिल सकता है। कांग्रेस नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं से चुनाव लड़ने की अपेक्षा कर रहा है। अशोक गहलोत जैसे बड़े नामों को लेकर बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल के लिए तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट का लोगों को लंबे समय से इंतजार है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट का बीजेपी का इंतजार किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सूत्रों के हवाले से सांसदों को फिर से बताया जा रहा है कि मौका जो है वो दिया जा सकता है, यानी कि जो कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं उन्हें मौका दिया जा सकता है। कांग्रेस नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं से चुनाव लड़ने की अपेक्षा जो है वो कर रहा है, वरिष्ठ नेताओं से कहीं ना कहीं नजर रख रहा है उन पर कांग्रेस का आलाकमान कि वो जो चुनावी रण में उतरे आकर के, क्योंकि यहां पर ये भी बता चले कि अशोक गहलोत जैसे बड़े नामों को लेकर के अभी तस्वीर फिलहाल के लिए साफ नहीं हो पाई। देखिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि कभी भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है और कई बड़े नाम उसमें बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उसमें देखा गया है कि कई जो है नए चेहरों को भी मौका मिला है। लेकिन अभी कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मौजूदा सांसदों को फिर से मौका मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम, ये बड़ी जानकारी है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मौजूदा सांसदों को फिर से मौका मिल सकता है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की तो उसमें देखने को मिला कई नए चेहरों को मौका मिला है। देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीति बनाई है आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को ताकने की, उसमें मौजूदा सांसदों को दोबारा मौका देने की बात और बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। यही एक वजह है कि आलाकमान लगातार सभी राज्यों के जो बड़े नेता है जो शीर्ष पदों पर आसन है या जिन्होंने पहले सत्ता का सुख भोगा है उनको लगातार ये कह रहे कि आप चुनावी मैदान में जाइए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की और दूसरा जो कार्यकर्ताओं का मोराल है वो बढ़ जाएगा। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक है, 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे और उसके बाद ही साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कौन सी रणनीति पर ज्यादा अमल कर रही है। ज्यादातर मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट देने की बात हो रही है। सूत्रों का यह भी मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व तो वरिष्ठ नेताओं से चुनाव लड़ने की अपेक्षा कर रहा है, हालांकि इसको लेकर पार्टी को अभी तक कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से उतर सकते हैं, लेकिन राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, इन नामों को लेकर तस्वीर कोई साफ नहीं हुई है। आलाकमान चाहता है कि ये नाम चुनाव मैदान में आए, लेकिन अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हुई है। कई बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की या फिर कही आप आवेदन तक नजर बनाए रखना। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।